सभी को नमस्ते। हम हिमांशु कुमार राय भैया से बातें सुनेंगे। भैया प्रोफेसर एंड एचओडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थे, लेकिन भैया अभी फिलहाल किसी संस्थान से जुड़े नहीं हैं। भैया ने उनका फर्स्ट यूएचयू एफडीपी जनवरी 2018 में आईआईटी कानपुर में किया था, कि जो डीन और एचओडी के लिए ऑर्गेनाइज किया था, और फिर तब से भैया यूएचयू के साथ में जुड़े हुए हैं और कंटेंट को भी अपने साथियों के साथ में, बाकी फैकल्टी के साथ में थ्रू एफडीपी शेयर करते हैं। तो भैया को मैं अभी आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बातें रखें। ओवर टू यू भैया। जी तो धन्यवाद भैया, सभी को नमस्ते। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी भैया, आवाज चल रही है। जी जी, तो आपने एक लेवल का तो रख ही दिया है परिचय, लेकिन इसको मैं थोड़ा और विस्तार कर देता हूँ। तो मैं हिमांशु कुमार राय गाजियाबाद में रहता हूँ, और मेरे साथ परिवार में मेरी पत्नी और दो बच्चे हैं। पत्नी भी यूएसबी के कंटेंट से जुड़ी हुई हैं, और परिवार सभा के माध्यम से इस कंटेंट के बारे में बच्चों से भी बात होती रहती है। तो अब मैं बिंदुवार तरीके से जो कंटेंट पे बात करनी है, अपनी शेयरिंग रखनी है, उसको रख देता हूं। तो मानव को लेकर के इस विषय वस्तु के माध्यम से जो दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है वो ये है कि हर मानव मेरे जैसा है, यानी दूसरा मेरे जैसा है। यह जो विचार से भाव में परिवर्तन और फिर भाव की पुष्टि हो रही है, यह अपने आप में एक सुखद एहसास है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पहले ऐसा लगता था कि लोगों के बीच जाने से सांसारिक विषयों में फंसते जाएंगे, इसलिए कई बार एकांत आइसोलेशन में रहने की इच्छा होती थी। अब यह दिखाई दे जाता है कि मेरी तरह दूसरा भी सुखी होना और सुखी करना चाहता है, और साथ ही साथ वो मेरे जैसा ही है। इन दोनों के योगफल में दिखना मुझमें संबंध और स्नेह के भाव से भर देता है। अब मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम एकांत में हैं या फिर लोगों के बीच, महत्वपूर्ण यह रहता है कि हर हाल में मेरा भाव विचार संबंध के अर्थ में रहे। तो हर ह्यूमन बीइंग के साथ संबंध बना रहे, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट मैं अपने आप में देखता हूं। प्रकृति को लेकर के, प्रकृति में कुल चार अवस्थाएं हैं, जिसमें से पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था के साथ जीना आमतौर पर सुखद होता ही है, हम सबने देखा है। कारण यह दिखता है कि ये दोनों अवस्थाएं प्रकृति के नियम से बधी होती हैं, और हम इनसे कोई अन्यथा आशा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, और हम आशा के लेवल पर जीते हैं, इसलिए किसी तरह का दुख पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था के साथ जीने में नहीं होता है। और रही बात नेचुरल क्लामिटी की, प्राकृतिक आपदाओं की, तो ये भी दिखता है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारा ही है। परंपरा में एक बात कही जाती है कि प्रकृति के हर कण में ईश्वर विद्यमान है। आज यूएसबी के विषय वस्तु से गुजरने के पश्चात मुझे प्रकृति के हर एक इकाई में व्यवस्था का विद्यमान होना दिखता है। जहां जहां तक दृष्टि जाती है व्यवस्था का दर्शन होता है, और इस बात को हाल फिलहाल मैं भी बनारस से आ रहा था गाजियाबाद, तो ट्रेन की खिड़की से जब मैं लहलहाते हुए खेत और मैदान देख रहा था, तो जितना जितना प्रकृति का दर्शन हो रहा था, उस साथ साथ मुझे व्यवस्था का भी उसमें दर्शन हो रहा था।
कोरोना काल में इस बात की पुष्टि भी हुई जब हम लोगों ने देखा कि किस तरह पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था की इकाइयां स्वतः पुष्ट हो गई। यह व्यवस्था का रिफ्लेक्शन ही तो है। रही बात जीव अवस्था की, तो उनका भी प्रकृति के नियम से चलने और व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी दिखती है। यूएसवी के विषय वस्तु के माध्यम से इन तीनों अवस्थाओं के स्वभाव यानी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक पर ध्यान गया, जिस कारण इन अवस्थाओं के किसी भी इकाई का मूल्यांकन अब अधिमूल्यन या अवमूल्यन के रूप में नहीं हो रहा है। अन्यथा पहले जो वनस्पतियां सारक होती थीं या फिर जो जीव अक्रूर होते हैं उनका तो अधिमूल्यन हो जाया करता था, वहीं दूसरी तरफ जो वनस्पतियां मारक और जो जीव क्रूर होते रहे हैं उनका अवमूल्यन हो जाया करता था। ये स्वभाव दिखने के बाद इसमें इस तरह की चूक होने से बचे हैं। साथ ही यह भी दिखता है कि प्रकृति में मेरी आवश्यकता की चीजें उपलब्ध होने का प्रावधान यानी प्रोविजन बना हुआ है। इस अर्थ में इनके सदुपयोग और संरक्षण के लिए भी अपने में भाव पुष्ट होता है। कुल मिलाकर देखें तो प्रकृति की सभी इकाइयां एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा दिखता है कि आपस में सह अस्तित्व विद्यमान है। अस्तित्व को हम लोगों ने प्रकृति का शून्य में संपृक्त होना कहा है। शून्य अर्थात स्पेस को तो मैं आकाश के रूप में देख पाता हूं, पर संपृक्तता जैसी वास्तविकता सीधे सीधे नहीं दिखती है। लंबे समय तक अध्यात्म से जुड़े रहने के कारण ईश्वर को मानने का संस्कार बना रहा है। परंपरा में ईश्वर को नित्य व्यापक ब्रह्म सत्ता के रूप में व्यक्त करते हैं। कुछ ऐसे ही शब्द शून्य के लिए भी यूएसबी में कहा जा रहा है। अतः अभी शून्य का वैभव सीधे सीधे देखना समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, एक परिवर्तन अवश्य आया है कि ईश्वर अब कोई दूर से नियंत्रण करने वाला या फिर न्यायाधीश की जगह नहीं दिखता, बल्कि ईश्वर सभी इकाइयों में व्याप्त वह वास्तविकता है जिससे सभी इकाइयां स्वयं में उर्जित हैं, व्यवस्थित हैं और एक दूसरे को पहचानती हैं और परस्परता में निर्वाह कर रही हैं। इसी क्रम में मेरे में जो इच्छा विचार आशा निरंतर चल रही है, ये इस बात को इंगित करता है कि मैं स्वयं में उर्जित हूं, मैं स्वयं में व्यवस्थित हूं अर्थात नियंत्रित हूं। यह आत्मा बुद्धि चित्त वृत्ति और मन के रूप में दिखता है। मैं अपने संबंध को पहचान कर निर्वाह करता हूं। इसी बात को एक्सरसाइज 2 के स्टेप 7 में रखा गया है कि मैं शून्य के माध्यम से शरीर से सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूं। शून्य को जानने समझने के लिए और सह अस्तित्व का सीधा सीधा दर्शन करने के लिए अपने में बहुत काम करने की आवश्यकता है, लेकिन यह दिखता है कि यही जीवन का लक्ष्य है। कम से कम यह विचार के स्तर पर तो तय हो ही गया है, इसलिए एक्सरसाइज 3 का अब इंतजार है। मानवीय आचरण को जब देखने जाते हैं तो उसमें तीन चीजें दिखती हैं। एक मूल्य जो ब्लॉक B1 का विषय है, दूसरा नीति जो ब्लॉक B2 का विषय है, और तीसरा व्यवहार कार्य और भागीदारी जो ब्लॉक B3 और B4 का विषय है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि B1 और B2 सेल्फ का विषय है, वहीं B3 और B4 हम शरीर के साथ बाहर एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। हमें यह भी दिखता है कि मानवीय आचरण में निश्चितता
डेफिनेटनेस होना एक बड़ी उपलब्धि है। जब वर्कशॉप में भी पूछा जाता है कि आपको इन तीन भय में से कौन सा भय सबसे ज्यादा सताता है, नेचुरल क्लैमिटी, जानवरों का भय और अनिश्चित मानवीय आचरण का, तो हर वर्कशॉप में एक ही बात आती है कि अनिश्चित मानवीय आचरण का जो भय समाज में प्रिवेल कर रहा है वो सबसे बड़ा दिखता है। इस अर्थ में मानवीय आचरण में का निश्चित होना वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैं स्वयं में इस निश्चित आचरण को नहीं बनाए रख पाता हूं, ऐसा मैं देख पाता हूं। कारण के रूप में दिखता है कि या तो दूसरे के प्रति विरोध का भाव आ जाता है या फिर यह उतनी सटीकता से नहीं दिखता है मैं और दूसरा एक दूसरे के पूरक हैं, दूसरा मेरे जैसा है, यह तो फिर भी दिख जाता है लेकिन उसी क्षण पूरकता नहीं दिखाई देती। शायद पूरकता का दिखाई देना और गहरा विषय हो। इसलिए निश्चित मानवीय आचरण के लिए हमें काम तो ब्लॉक B1 पर करना ही होगा, या यूं कहें कि सहज स्वीकृति के साथ जीना होगा। ऐसी निष्ठा अपने में बनी। एक्सरसाइज 1 और 2 को बताना है तो एक्सरसाइज 1 यानी स्वयं द्वारा स्वयं को देखना, इसके स्टेप 1, 2, 3 अर्थात अपने भाव विचार को देखना और यह भी देखना कि वह मुझे सहज स्वीकार है या नहीं, यह हर समय तो नहीं हो पाता है पर जैसे ही मेरा भाव बिगड़ता है उसी वक्त ध्यान चला जाता है और सजग हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप अपने में उस समय पर सुधार हो जाता है। स्टेप 4, ये बात तो अब बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि मैं अपने भाव विचार को स्वयं चलाता हूं, कोई दूसरा नहीं, अतः उसके बनने बिगड़ने की जिम्मेदारी 100% मेरी ही है, मेरे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। इस अर्थ में यह बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। स्टेप 5 में मेरे भाव का आधार मेरा संस्कार है यह दिखता है, इसी संस्कार पर ही तो काम करना है और यह भी दिखता है कि सही अर्थों में यही तप है, यही तपस्या है। स्टेप 6, संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार है और इसे समझना मेरी मूलभूत आवश्यकता है, ऐसा दिखता है। इसी क्रम में मुझे अपनी क्रियाओं को जागृत करना होगा जिसकी शुरुआत चिंतन अर्थात भाव के स्तर से होगा, व्यवस्था में भागीदारी से होगा, ऐसा दिखता है। भागीदारी की महत्वपूर्णता दिखती है। स्टेप 7 अर्थात हर पल हर क्षण मेरा भाव विचार संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में बना रहे, यही निरंतर सुख का स्रोत है। यही यह दिखता है कि सुख स्वभाव का विषय है, प्रभाव का नहीं। एक्सरसाइज 2, जहां हम स्वयं द्वारा शरीर को देखते हैं, इसमें स्टेप 1, मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, ये तो अब दिखने लगा है। स्टेप 2, मेरे और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान है, यह भी दिखता है। स्टेप 3, शरीर से आने वाली किस सूचना को पढ़ना है यह निर्णय तो मेरा ही है, पर शरीर के किसी हिस्से में अगर चोट लग गई हो तो न चाहकर भी ध्यान उधर चला जाता है। फिर हम अपने आप से कहते हैं कि चूंकि अभी हमारा जीना शरीर सापेक्ष हो रहा है इसलिए अभी हम उस संवेदना को बरबस स्वीकार कर लेते हैं।
हाँ, शरीर को क्या निर्देश देना है यह निर्णय तो मेरा ही है। और इस अर्थ में शरीर एक इंस्ट्रूमेंट, यंत्र के रूप में दिखता है। स्टेप फोर, मैं संवेदना नहीं हूं, यह तो दिखता है, पर मेरे और संवेदना के बीच की दूरी को मैं घटा बढ़ा सकता हूं, ऐसा भी नहीं दिखता। इसका कारण यह भी है कि संवेदना को पढ़ते समय मैं कहां पर स्थित हूं इसका आभास नहीं होता। स्टेप फाइव व्यवहार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर या फिर शरीर से आने वाली कोई भी सूचना मेरे पास संवेदना के रूप में आती है। अब उस संवेदना को निर्णय पूर्वक मैं पढ़ता हूं और अपने संस्कार के अनुसार अर्थ देता हूं। सुसंस्कार यानी समझ के कारण वह अर्थ सही हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुसंस्कार यानी किसी मान्यता के कारण अर्थ गलत हो जाता है और फिर मेरा निर्वाह रिएक्शन के रूप में होता है। स्टेप सिक्स में यही दिखता है कि संस्कारों का जो परिमार्जन है वो निश्चित मानवीय आचरण यानी रेस्पॉन्स के लिए बहुत आवश्यक है। स्टेप सेवन, शून्य और सह अस्तित्व को देखने और समझने का कार्य करना है और इस देखने समझने के कार्य को ही हम सत्य की खोज के रूप में देख रहे हैं, यही सत्य है। और तभी फिर प्रेम और करुणा के भाव के साथ जीना हो पाएगा, ऐसा स्पष्ट दिखता है। प्रश्न है, स्वयं में समझ के लिए कितना समय लगा सकते हैं? अब यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है, ज्ञान समाधान के साथ जीना। फिर तो जीवन का हर पल हर क्षण स्वयं में सही समझ के लिए ही लगाना होगा, ये दिखता है। यह भी दिख गया है कि मेरी पूंजी तो मेरी कल्पनाशीलता ही है, मैं साधक हूं और मेरी कल्पनाशीलता साधन। मेरी उच्चतम क्रिया अर्थात स अस्तित्व का अनुभव ही मेरा साध्य है। साधन को साध्य तक ले जाने का प्रयास ही मेरी साधना है। यूएचवी का उपकार यह हुआ है कि परंपरा के शब्दों का अर्थ और उसकी वास्तविकता को देख पाता हूं। परंपरा में जो चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में बताया गया है, उसको इस यूएचवी के माध्यम से बहुत क्लियर दिखाई देता है। इतना ही नहीं, जिन ग्रंथों को पहले मैं पढ़ता था, खासतौर से श्रीमद् भागवत गीता, उसको इस यूएचबी के कंटेंट से गुजरने के बाद उसमें और स्पष्टता हुई है, यह दिखाई दिया है कि क्या बात कही जा रही है। ये यूएचबी का बहुत बड़ा उपकार है। समाज में भागीदारी के लिए समय निकालने का प्रयास करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसी के साथ आप सभी के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। कुमार भैया से हिमांशु भैया की शेयरिंग के बारे में बात सुनना चाहेंगे। भैया, ओवर टू यू। कुमार भैया, राय सर की शेयरिंग भी बहुत अच्छी रही। एक अच्छी बात यह है कि कौशल जी और राय सर दोनों लोग पूरे समय उपलब्ध हैं, तो राय सर ने भी ये निर्णय लिया कि अब जो टीचिंग का काम था उसको विराम दिया जाए और अब पूरे समय उपलब्ध हैं आप, और आपकी भागीदारी दिन ब दिन बढ़ रही है। अभी AKTU में जो मूल शिक्षा का काम चल रहा था उसके कोऑर्डिनेशन के लिए एक मुख्य जिम्मेदारी आपको भी दी गई है, और साथ ही में मैंने देखा है कि वर्कशॉप प्रोफेसर के साथ मुझे दो बार लेने का अवसर मिला, मतलब जिसको हम लोग पहले PSL 2 और PSL 3 कहते थे, जिसमें USB 3 का ही कॉन्टेंट स्वयं के ज्ञान को लेकर पहले होता था और ज्ञान को लेकर हम लोग बाद में रखा करते थे, जिसमें आप दोनों में साथ में रहे।
और आपका तात्विकता पे ध्यान देने का एक गहरा अभ्यास है, और तात्विकता के स्तर पर ही जाकर आपने को रिजॉल्व फील करते हैं। तो जैसे हम लोग जब कहते हैं ना कि तात्विक, बौद्धिक और व्यवहारिक, तीन भाग में किसी बात को रखा जाता है, तो तात्विकता में हम ब्लॉक B1 को एड्रेस करते हैं, ठीक से किस तरह से कोई बात हमारे चिंतन बोध अनुभव में आती है। बौद्धिकता में हम ये देखते हैं कैसे हमारी कल्पनाशीलता फैलती है, और फिर व्यवहारिकता में हम देखते हैं कि कैसे वो हमारे आचरण में जाता है, व्यवहार कार्य भागीदारी में जाता है। तो तात्विकता पर ध्यान देने का आपका एक अच्छा अभ्यास है, और इसको और एनरिच अगर किया जाए और इसको व्यवहारिकता से भी जोड़ा जाए, बौद्धिकता तो है ही साथ में, तो स्वयं में भी अच्छी गति बनेगी, और जिस तरह का आपके पास समय उपलब्ध है और शरीर का जो स्वास्थ्य है उसके साथ, आप एक अच्छी बड़ी भागीदारी कर पाएंगे। अभी बहुत सारे वर्कशॉप की जरूरत है, AKTU में भी बहुत सारे वर्कशॉप की जरूरत है और प्रदेश भर में वर्कशॉप की जरूरत है, तो इसको आप अच्छे तरह से कर पाएंगे, और आपका जुड़ाव तो बना ही रह रहा है। अच्छी बात ये भी है कि परिवार में अनुकूलता है, जो पत्नी है दीदी वो काइट कॉलेज है गाजियाबाद में, वहाँ फैकल्टी है, और काइट में अभी हम लोगों ने 3 दिन का वर्कशॉप किया था, तो उसमें भी एक अच्छी संभावना बन रही है। परिवार सहित आप अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के लिए शिक्षा कार्यक्रम उसमें अपने को लगा सकते हैं, बहुत अच्छी संभावना है जी। तो मेरी तरफ से आप दोनों लोगों को शुभकामना, बधाई।